सो हेलो एवरीवन, सो फाइनली गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप जो है किस तरह से अपने YouTube वीडियो के लिए जो थंबनेल बनाते हैं उसमें जो अपने फ़ोटो पे आउटलाइन इनेबल करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना, सिंपली से पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से प्लस रेशियो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। गाइस जो जनरली लोग जो है पिक्सेल लैब का यूज करते हैं थंबनेल बनाने के लिए, तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपने फ़ोटो को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सिंपली से क्रॉप अप कर लेना है इसको अच्छे तरीके से, और क्रॉप अप करने के बाद सिंपली से आपको जो इस तरह से इसे बिग साइज कर देना है, और करने के बाद सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ कैपिटल ए के बगल में आपको जो है इस ऑप्शन वाले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्टॉप ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली से आपको उस पर टच करना है, टच करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वाइट बैक आउटलाइन यानी कि स्टॉक को इनेबल करके रखें ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और थंबनेल जो है क्लिकेबल बन जाता है और वीडियो पर व्यूज आने लगते हैं। तो सिंपली से यहाँ से ओके कर देना है। तो गाइस तो यहाँ पर मैंने जो स्टॉक का इनेबल कर दिया और देखने में भी क्लिकेबल लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।